हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहारी कमर के इस बिल्कुल नए फ्रेश वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं FFIC यानी कि फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के बारे में। इसके अंदर आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, कैसे अपना टीम क्रिएट कर सकते हो एंड क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके अंदर आप खेलकर इसमें अच्छे स्कोर कर पाओगे, अपनी टीम को आगे ले जा पाओगे, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। आप ज़रूर देखना इस वीडियो को, पूरा स्किप मत करना। जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बस आप वीडियो को स्किप मत करना एंड लाइक जो है वो दबा देना, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना है। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब मार के बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कर देना ज़रूर। FFIC के फुल प्रोसेस को फ्री फायर ई-स्पोर्ट इंडिया के द्वारा जारी किए गए एक वीडियो के थ्रू समझेंगे, तो बस आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना। जो चीज़ें हैं एक एक करके आराम से समझाएंगे और आप लोग आराम से ही देखना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक मारना भूलना मत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। FFIC हमारे गेम के अंदर आएगा 13 अगस्त के दिन और 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच आपको रजिस्टर करना होगा। जो भी अपने स्क्वाड है उसके साथ अपना स्क्वाड बनाना होगा, तो इसके लिए आपको रजिस्टर कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले FFIC आपको पता होगा जो एक ये इंडियन फीचर है और इसी के माध्यम से ही फ्री फायर के जो भी टूर्नामेंट अभी हो रहे हैं सभी कराए जाते हैं, और यहाँ पे जो फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप भी होने वाला है इसी के माध्यम से होने वाला है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से पहले आप ये श्योर कर ले कि आपका लेवल 40+ होना चाहिए, साथ में आपका रैंक डायमंड होना चाहिए, डायमंड 1+ होना चाहिए। तो अगर आपके पास 40 लेवल का कम आईडी है तो उसको आप नहीं ऐड कर सकते हो, उसको लेकर आप ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकते हो। और अगर आपका आईडी 40+ यानी कि 40+ लेवल का है तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपका डायमंड 1 रैंक होना चाहिए। या अगर आपका डायमंड 1 है लेकिन आपके आईडी का लेवल 40 से कम है तो आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हो, आपको ये करना होगा। लेकिन अगर आपका 40+ है तो आप लोग अगर प्लैटिनम में हो या सिल्वर में हो, गोल्ड में हो, किसी में भी हो, तो आप पुश कर लो। अभी टाइम बचे हुए हैं 13 अगस्त के लिए, तो आप लोग पुश कर लो, जितना ज़्यादा हो सके पुश कर लो। और डायमंड 1 तक मिनिमम डायमंड 1 आपका होना चाहिए तभी इसमें आप हिस्सा ले सकते हो। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हो यानी कि आपके पास ये सभी चीज़ें हैं, तो आप जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप का वो देख सकते हो एंड इजिली इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, तो बहुत ही आसान होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें ओपन क्वालिफायर कब से कब होने वाला है, तो 13 अगस्त से आपका होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू और 16 अगस्त तक चलने वाला है। 16 अगस्त के दिन आपका मैच जो होगा, मैच डे होने वाला है जिसके दिन आपको खेलना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको 8 कार्ड मिलने वाले हैं, देख सकते हो बैटल अरेना के अंदर भी हमें मिले थे एंड यहाँ पे ब्रोला बास जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर भी हमें 8 कार्ड देखने को मिले थे। तो 8 टिकट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो जिसको आपको उसी दिन यूज करना है 16 अगस्त के दिन। ये कब से कब यूज करना है, तो ये कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे 16 अगस्त के दिन यानी कि मैच डे के दिन, और उस दिन आपको करना होगा इसका यूज जो भी है शाम के 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, यानी कि कह सकते हो इंडिया के टाइम के हिसाब से 4 PM to 9 PM आपको इसके बीच जो भी आपके 8 टिकट्स हैं सबको यूज कर लेना है। 9 बजे के बाद आपके जो भी टिकट होंगे वे पूरे के पूरे अमान्य हो जाएंगे, तो ये श्योर कर ले कि आप 9 बजे से पहले पहले और 4 बजे के बाद आप ये जो है इस टाइम फ्रेम के बीच आप जरूर इसको यूज कर ले, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 5 घंटा यानी कि 5 आवर देखने को मिल जा रहा है जिसके अंदर आपको 8 मैच खेलना है। तो कोई भी यहाँ पे भारी बात नहीं, आप खेल सकते हो, अपनी स्क्वाड अच्छी बनाओ और अच्छी स्क्वाड के साथ स्ट्रेटजी और उनका टाइम भी फिक्स होना चाहिए ताकि वे टाइम पे अपने अपने सभी जो है स्क्वाड मैट्स खेल सकें। तो इसमें कोई ना हो कि भाई कोई छोड़ के चला गया, किसका चार्ज प्रॉब्लम है, तो जो भी स्क्वाड है उसमें सभी अपने टीममेट को ये श्योर करना होगा कि आपका जो है टाइम फिक्स है और उस टाइम पर हम श्योरली खेल सकते हैं कोई भी बिना प्रॉब्लम के साथ। अब बात कर लेते हैं स्कोरिंग के बारे में कि स्कोरिंग आपका कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेस स्कोर मिलेगा 400 का यानी कि 400 स्कोर आपको पहले ही मिल जाएगा, ताकि आपके जो भी है बंदे अगर स्पॉन आइलैंड से बैक भी करते हैं तो उनका माइनस हो सके। तो इसके बारे में यहाँ पे देख लो, जो भी टाइम टेबल है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट के लिए यहाँ पे 20 पॉइंट्स, सेकेंड के लिए 17, थर्ड के लिए 15, फोर्थ के लिए 13, फिफ्थ के लिए 12, सिक्स्थ के लिए 10, सेवन्थ के लिए 6, एट्थ के लिए 4, नाइन्थ के लिए 3, टेंथ के लिए 2, एलेवेंथ के लिए 1 एंड ट्वेल्थ के लिए 0 यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ पे सभी पॉइंट आप टेबल में देख सकते हो इजीली, और अगर आप किल करते हो तो आपके टीम को 2 पॉइंट पर किल मिलने वाले हैं यानी कि 1 किल के लिए 2 किल। उसके बाद अगर आप स्पॉन आइसलैंड को छोड़ते हो तो पर प्लेयर आपका 10 माइनस होने वाला है। तो आप लोग गलती से भी स्पॉन आइसलैंड को छोड़ना नहीं। इसके पहले होता था कि बहुत सारे बंदे 8 टिकट का इसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे जिसके अंदर वो लॉबी के अंदर आते थे, देखते थे अच्छे खासे बंदे आएंगे या गेम के अंदर आए हैं तो वो यहाँ से वो लॉबी से ही बैक कर लेते थे, जिसके साथ क्या होता था कि उनका टिकट भी बच जाता था
और वो अच्छे अच्छे बंदों से फाइट करने में उनके सामने आने से भी बच जाते थे, जिसके कारण वो अच्छा से अच्छा स्कोर कर पा रहे थे। ठीक, तो ऐसा ही होता था, इसीलिए यहाँ पे स्पॉन आइलैंड का रूल लागू किया गया है। तो अगर आप लोबी के अंदर आते हो और छोड़ के चले जाते हो तो आपका पेनाल्टी के रूप में 10 पॉइंट माइनस होने वाला है। तो आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। और जहां तक बताया जा रहा है कि ये पूरे के पूरा टूर्नामेंट हैकर्स फ्री हो रहा है, यानी कि हैकर्स में नहीं आने वाले, तो आप लोग हैकिंग मत करना जो भी है। तो यहां पे देख सकते हो टॉप 5 मैचेस प्लस यहां पे जो भी बेस स्कोर आपका है, ये सभी स्कोर को यहां पे कम्युलेटिव किया जाएगा। तो अगर आप ये सभी गलतियां करते हो तो आपको भुगतना पड़ेगा जरूर। इन सभी बातों के बाद आता है कि आप अपना टीम कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्क्वाड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जो यहां पे आइकन शो रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, जिसके अंदर एक का होगा ज्वाइन का ऑप्शन एंड दूसरा होगा क्रिएट का ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो शो हो रहा है एक क्रिएट और दूसरा ज्वाइन। तो यहाँ से जो चाहो आप क्रिएट के अंदर क्लिक करके आप अपना स्क्वाड बना सकते हो। अपना टीम क्रिएट करने के लिए जब आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जिसके अंदर आपको दे देता है स्क्वाड नेम। तो सबसे पहले अपना स्क्वाड नेम यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर देना है जिसके अंदर आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्म की जा सके। रीजन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आप लोग इंडिया से हो, नेपाल से हो, भूटान से हो या किसी और देश से हो। उसके साथ यहाँ पे आपको अवतार एंड बैनर सेलेक्ट करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका टीम क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर आप चाहो तो अप्लाई करके ऐड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, अपना स्क्वाड सक्सेसफुली बना सकते हो। लेकिन अगर आप अकेला खेलना चाहते हो किसी स्क्वाड में या किसी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको जाना होगा ज्वाइन के ऑप्शन में। ज्वाइन के ऑप्शन में आप आते हो तो आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे आपके ऊपर एक एप्लीकेशन का ऑप्शन देगा, जिसके अंदर जो भी एप्लीकेंट्स होंगे वो सभी के सभी शो होंगे। तो वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स या किसी और के स्क्वाड में जाने के लिए। उसके बाद जब आप सक्सेसफुली किसी भी तरह क्रिएट करके या ज्वाइन करके अपना स्क्वाड बना लोगे, देन उसके बाद 16 अगस्त के दिन यानी कि मैच मेकिंग के दिन आपको एक मोड देखने को मिलेगा, FFIC 2020 फॉल मोड देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके जो भी बंदे यानी जो भी आपका स्क्वाड के टीममेट होंगे वो सभी देखने को मिल जाएंगे आपके फ्रेंड लिस्ट में। तो 16 अगस्त के शाम 4 बजे आपको गेम के अंदर आना है। उसके बाद FFIC 2020 फॉल यहाँ पे मोड सेलेक्ट करने के बाद अपने जो भी स्क्वाड है, जो भी टीममेट्स है, उनको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप इजीली यहाँ से गेम स्टार्ट कर पाओगे। गेम स्टार्ट करने के बाद आप अपना स्कोर बना सकते हो इजीली। तो ये आपके ऊपर एंड आपके टीममेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे खेलते हो, किस तरह आपका स्ट्रेटजी है। लेकिन यहाँ पे जो हम टिप्स बता रहे हैं उसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बेहतर चांसेस देखने को मिल जाएंगे स्कोर बनाने में। तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको मेन थिंग है जो आपका है बुइया के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप लोग बुइया के ऊपर फोकस करते हो तो आप लोग इजीली सर्वाइव कर पाओगे। और इसके साथ ही आपको मिनिमम 10 किल करने ही करने हैं, और यहाँ से आसानी से आपको 10 किल हो जाते हैं। जब तक आप बुइया तक पहुँचते हो तो 10 किल इजीली हो जाते हैं जब आप 2 या 3 स्क्वाड से फाइट कर लेते हो। तीसरी पॉइंट्स, आपको अपने टीममेट के साथ ही रहना है और पूरी फुल स्ट्रेटेजी के साथ और एक दूसरे को कवर देते हुए चलना है जहाँ भी चलना है। एक अगर बंदा फाइट करता है तो उसको एक बंदा जरूर कवर देना चाहिए और 2 बंदे वहाँ से अलग अलग साइड में देखने चाहिए। चौथा पॉइंट, आपको ऐसे जगहों पे उतरना है जो जिसके बारे में आपको फुली पता हो कि आपको कहाँ पे कैसे चीज हमें जाना है। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है आपका जो लूट, आपको पूरी तरह फुल लूट कर लेना है, सबसे ज्यादा ग्लोबल की लूट करनी है। इसके साथ ही आप लोग पहले ही प्रैक्टिस कर ले कि आप किस गन को किस तरीके से यूज कर पा रहे हो। अपने सभी गन को एक बार ट्राई कर ले, जो भी आपका बेस्ट स्किन है गन का उसको एक बार ट्राई कर ले कि कैसे चल रही है। तो आप लोग ये पहले ही श्योर कर ले कि आपको किस गन को यूज करना है और कहाँ पे कैसे यूज करना है। उसके साथ ही आपके पास लूट बॉक्स वगैरह होना चाहिए पूरा का पूरा, वेस्ट ग्लोबल और उसके साथ गन आपके पास जरूर होना चाहिए। ये कम से कम साथ में आपका स्क्वाडमेट जो है वो साथ में होना चाहिए। लास्ट के दौर में जब आप बुइया के ऊपर आते हो, जब आपके पास स्क्वाड होते हैं 2 या 3, तो आपको ग्लोबल का कवर लेते लेते आपको जोन में जाना होगा। जो भी सेफ जोन है उसके अंदर आपको अपनी जगह बनानी होगी ताकि आप जोन से नहीं मारे जाओ। तो ये सभी चीजें थी जो कि मेन थी जो आपको बता दिए। तो इस पे गौर जरूर करना एंड अपने टीममेट्स को जरूर बोल देना कि एक बार आपके साथ प्रैक्टिस कर ले और आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद ही इसमें हिस्सा ले। तो गाइस, अब आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कैसे रजिस्टर करना है, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सभी के सभी समझ में आ गया होगा। तो लाइक जरूर मारना यार इतने वीडियो देखे। तो वीडियो देखते देखते ये भी भूल गए होगे कि सब्सक्राइब भी करना यार, तो सब्सक्राइब जरूर मार देना एंड बेल आइकन को जरूर दबा लेना।
और भी कोई टिप्स चाहिए इसके ऊपर या और किसी चीज़ के ऊपर, तो आप हमारे सेकंड चैनल बिजी रॉक्स को फॉलो कर सकते हो, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो एंड लाइक जरूर कर सकते हो उसको। इसके साथ भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पूछ लेना। एंड गिवअवे के बारे में बात करें तो 25K पे अपना स्पेशल गिवअवे होने वाला है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करना है। सब्सक्राइब मान लो यार जो नए बंदे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर भाई लोग।